बीजेपी ने हमारा तो पूरा नुकसान कर दिया है। पूरे देश में हमारी ताकत थी, हमारी जमीन थी, हमारे मुद्दे थे, हमारा नाम था, कागज हमारे पास रह गया, कब्जा बीजेपी ने कर लिया। अभी वर्तमान में एमपी हैं, वे कितने सक्रिय हैं और कितने जगह अपना प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, वह देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं दैजी न्यूज़। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनसंघ के एक कार्यक्रम में। जनसंघ एक बार फिर से 2024 के चुनाव में उतरने वाली है, इसको लेकर क्या क्या जानकारी दे रहे हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भूषण पांडे जी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन किन सीटों पर लड़ रही है इस बार जनसंघ और कौन कौन उनके उम्मीदवार होने वाले हैं। लंबे समय से बिहार में जनसंघ कुछ कार्यकर्ता नहीं आ रहे थे, लेकिन आप ऐसा है कि बिहार में आरा मेरा खुद क्षेत्र रहा है, 6 बार चुनाव में लड़ा हूँ, 3 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा और कई चुनाव को लड़ाया हूँ। यहाँ ठाकुर प्रसाद मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के बगल में 12 साल हमारा कार्यालय रहा है किदवाईपुरी में, अब राजा बाजार में आप पर चला गया। हमारे नेता आदरणीय बलराज मधोक जी की 96 वर्ष की आयु में उनके निधन हो जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मेरा दायित्व हो गया, इसके कारण मैं पर्सनली पटना में कम आने लगा। अन्यथा पटना के हमारे और मित्र लगे हैं, आप देख ही रहे हैं, 3-3 कद्दावर लोग हैं, पुराने लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं सब, ये यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम चूंकि और प्रांतों में ज़्यादा समय देते हैं और बिहार इन लोगों के हवाले है, इसलिए आपको लगता होगा कि कम गतिविधि है। आप आरा इत्यादि के समाचार पत्रों को देखा जाएगा, वहाँ की मीडिया को देखा जाएगा, तो उसमें हमारी उपस्थिति आपको दिखाई देगी, हम हमेशा सक्रिय हैं। 3 सीट नेशनल लेवल पर 25। उससे बचते हुए बीजेपी ने हमारा तो पूरा नुकसान कर दिया है। पूरे देश में हमारी ताकत थी, हमारी जमीन थी, हमारे मुद्दे थे, हमारा नाम था, कागज हमारे पास रह गया, कब्जा बीजेपी ने कर लिया। बावजूद हमारा उनके प्रति बहुत वात्सल्य रहता है, अपनत्व रहता है और हम उनको नुकसान नहीं करते। नालंदा और सिवान 2 सीटें बीजेपी खुद लड़ नहीं रही है, वो लोग लड़ रहे हैं जो कब बीजेपी के होंगे, कब आरजेडी के होंगे, कब इंडी होंगे, कब इंडी बनाने वाले होंगे, कोई कहना कठिन है। तो 2 वहाँ है और 1 राजधानी की सीट। हर बार हम आरा लड़ते थे, अभी बक्सर से लड़ने का ऑफर है, लेकिन हम आरा बक्सर अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पटना साहिब चूँकि स्टेट कैपिटल है, आपकी भी शिकायत है कि हम लोग यहाँ कम काम करते हुए दिख रहे हैं, तो अब हमने तय किया। पटना में पहले भी लड़े हैं, पटना में पहले भी हमने विधानसभा, पटना जब पूर्वी था, मध्य था, वो पश्चिमी था, उस समय परिसीमन के पहले 2005 में दोनों बार हमने लड़वाया, यहाँ ऑफिस रखे सब किया, लेकिन अब हमने पटना में परमानेंटली पटना साहिब सीट भी हमारी है और यहाँ आपको हम हमेशा दिखेंगे। सर यहां से आप लोग 3 सीटें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी वर्तमान में एमपी हैं, वे कितने सक्रिय हैं और कितने जगह अपना प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, वह देख रहे हैं। इसे दुखी होकर के बहुत से लोग प्रयास कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने एक स्क्रूटनाइज किया और ज्योति शंकर जी को यहाँ खड़ा कर रहे हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से भरत भूषण पांडे ने अपने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बताया कि किन किन सीटों पर वो यहाँ से लड़ने वाले हैं। अब सुनते हैं कि उनके जो कैंडिडेट 3 महत्वपूर्ण सीट पटना साहिब, सिवान और नालंदा, इन 3 सीटों पर उनके कैंडिडेट उतरे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और सुनते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, आखिर किनको वो चैलेंज करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? किसानों का मुद्दा लेकर, टाल का योजना। सिवान सीट ऐसा है कि वो सीट बीजेपी की थी लेकिन जदयू को दे दी गया सीट, वहाँ से उन्होंने माले के प्रत्याशी जो सिवान में रहे रमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया और वहाँ की जनता के साथ इन लोगों ने अन्याय किया। इसके खिलाफ वहाँ की जनता का साथ देने के लिए, विचारधारा को स्थापित करने के लिए मैं निर्णय लिया कि वहाँ मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। किसी पार्टी के साथ मिला है या नहीं? नहीं, हमारी तो यहाँ किसी भारतीय जनसंघ का ही जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी निकली है,
तो हम अपनी नई पार्टी से पुरानी पार्टी में जा रहे हैं, इसमें विचारधारा तो हमने बदला नहीं। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज भी मेरे साथ हैं, तो इसलिए हम विचारधारा को लेकर ही हुआ चुनाव लड़ने। जनता को बस हम ये देना चाहते हैं कि जनता का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। हर महीने एमपी फंड में जनता के लिए जो दिया जाता है वो जनता को जाना चाहिए, एमपी को उसको इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे लिए चैलेंज कोई पार्टी नहीं है, मेरे साथ अगर जनता है तो सब पार्टी पीछे है, अगर जनता मेरे साथ नहीं है तो, अगर उसको समझ में नहीं आया इस बात को तो फिर जनता इसी तरह दर्द सहती रहेगी। तो सुना आपने जनसंघ के कैंडिडेटों को कैसा लगा उनका तीनों का बयान, आप अपनी कमेंट में बातों को रखिएगा और जुड़िएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।